मुरैना से खबर है जहां चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। चालक और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। चालक और क्लीनर इस ट्रक में सवार थे। बता दें डीजल टैंक में लीकेज होने से टायरों में आग लग गई और धीरे धीरे पूरे ट्रक में ये आग फैल गई। ग्वालियर से आगरा की ओर ये ट्रक जा रहा था, उस दौरान हादसे का शिकार हो गया। नेशनल हाईवे 3 पर कई घंटे तक जाम लगा रहा। तो सिकरोदा नहर के पास की घटना बताई जा रही है। चालक और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। चलिए इस खबर पर अपडेट ले लेते हैं। संवाददाता उमेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, क्या है पूरा मामला समझना चाहेंगे, कैसे अचानक आग लग गई ट्रक में? बिल्कुल, देखिए सांगी, मैं आपको बता दूं, ये ग्वालियर से आगरा की ओर चनावर के ये ट्रक जा रहा था, तभी इसमें अचानक आग लग गई। और अचानक जो आग लगी है उसमें से जो ट्रक ड्राइवर और चालक है वो मौके से कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई है। लाखों का जो चना रखा था उसमें गाड़ी में, ट्रक में, वो जलकर स्वाह हो गया है। हालांकि जो दमकल की गाड़ियां वो लेट पहुंची, जिसकी वजह से ट्रक है पूरा धू धू कर जल गया। और आग की लपटें इतनी भयानक थी सुहांगी कि जो आसपास के वाहन थे वो भी वहां रुक गए और लगभग 2 घंटे तक नेशनल हाईवे 3 पर जाम लगा रहा। और बामुश्किल जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस वहां से पहुंची तब वो जाम भी खुलवाया गया, लेकिन जो ट्रक था वो जलकर पूरी तरह खाक हो गया है। अब पुलिस जांच कर रही है क्या ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से ट्रक में आग लग गई। लेकिन बताया यही जा रहा है कि जो ट्रक है उसमें से जो डीजल है वो लीकेज हो गया था और टायरों में जो डीजल गया था, जिसकी वजह से अचानक टायरों में आग लग गई। स्वांगी, चलिए धन्यवाद उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें डीजल टैंक में लीकेज होने से टायरों में आग लग गई, यही कारण अभी बताया जा रहा है। फिलहाल जांच की जाएगी, उसके बाद और कारण स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन चलते ट्रक में अचानक ही आग लग गई और आग ने इतना भयावह रूप ले लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चलते ट्रक में आग लगी और बताया जा रहा है कि ग्वालियर से आगरा ये ट्रक आ रहा था जिसमें चना भरा हुआ था। ड्राइवर और क्लीनर ने जान बचा ली अपनी कूदकर। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग भयावह लगी थी। भीषण आग चलते ट्रक में लगी, जिसके चलते तस्वीरें आप देख सकते हैं, नेशनल हाईवे 3 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई घंटों तक यहां जाम लगा रहा।